इसे कूल माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से साथियों, जिस प्रकार से कहा जाता है कि जीन्स पहनना बहुत कूल होता है, वैसे ही लोग अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बिना किसी जानकारी के अभाव के शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। भारत के अंदर अगर औसतन ये आंकड़ा देखा जाए तो नशे के कारण जो बीमारियां होती है उसमें मरने वालों की संख्या, आंकड़े कहते हैं कि प्रतिदिन 2,739 लोग नशे के कारण जो बीमारियां होती है उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। विश्व के अंदर अगर देखा जाए, इतना बड़ा विश्व है तो आंकड़े और भी भया हुआ है। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हर साल दुनिया में लगभग 70 लाख लोग नशे और उसकी लत के कारण मर जाते हैं। आदरणीय पराचार्य जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने वैश्वीकरण का उदाहरण दिया था कि वैश्वीकरण के कारण जो है बाहरी कंपनियां यहाँ पर किसी भी बड़ा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो वहां पर जो है अपने एडवर्टाइजमेंट देती है और स्पॉन्सर उसको करती है। दरअसल साथियों, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने इस बात को बड़ी गहनता से अध्ययन किया कि पूर्ति जो है ना वो अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अब मान लीजिए नशा बनाने वाली कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है, वो फायदा होता है, किस कारण होता है? क्योंकि इसके इसकी जो डिमांड है, लोग जो नशा ग्रहण करते हैं, जो तंबाकू खर्चवाते हैं, शराब पीते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी इसी कारण कंपनियों को उसकी मांग बढ़ानी पड़ती है और इस प्रकार से यह संरचना बाजार की चली जाती है। और आज स्थिति यह है कि पूरे देश के अंदर आज नशा बनाने वाली कंपनियों की होड़ लगी हुई है। जहां पर भी आप देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इस प्रकार के मादक पदार्थों को प्रोत्साहित करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेते हैं। जैसे कि आपको दिख ही जाता होगा कि अजय देवगन जी जो है विमल पान मसाला उस गुटखे का प्रचार प्रसार करते हैं, कई सारे जो है रॉयल स्टेज जैसी शराब का प्रचार प्रसार करते हैं, खुद जो क्रिकेटर रह चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी वो खुद ये मैकडॉल का प्रचार करते रहते हैं। तो समाज की प्रवृत्ति जो है बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। अगर हम लोग संगठित होकर जागरूकता के कारण जागरूक करके किसी भी समाज में अगर हम लोग देखें तो लोग जो नशे के कारण जाते हैं उसके दो मुख्य कारण है। पहला है मैंने बताया आपको फैशन रुचि, जिस कारण लोग इसको जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी मेन कारण है वो है जागरूकता। जागरूक ना होकर उससे होने वाली बीमारियों के बारे में न जानते हुए कई सारे लोग नशे की लत में डूबते हैं। और इस बात को ये बात जग जाहिर है कि सबसे खतरनाक जो चीज होती है ना, सबसे खतरनाक चीज विपत्ति के अक्सर समीप होती है। तो सबसे खतरनाक चीज जब विपत्ति के अक्सर समीप होती है तो लोग इस चीज को खूबसूरती के साथ बड़ी तत्परता के साथ लेते हैं और उसके एडिक्ट हो जाते हैं। हम सबको आवश्यकता है लोगों को जागरूक करने की, इन सब बीमारियों इसके कारण होने वाली बीमारियों को, भले ही वो मुंह का कैंसर हो या फिर लंग्स की बीमारियां हो, शराब के कारण लीवर की बीमारियां हो या फिर शरीर में किसी भी प्रकार के जो इसके दुष्प्रभाव होते हैं, सर ने जैसे बताया कि डार होता है या फिर लेड आपने बताया था, तो इन सब के कारण हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम समाज की ऐसी प्रवृत्ति बनाए, लोगों को जागरूक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब।